Assalamu alaikum students, welcome to week 2. In this week we will be discussing Contract Act 1872. So let us start. Okay, what is Contract Act 1872? So ye dekhe. The general law of the contract in Pakistan is contained in the Contract Act 1872, which is the main source of regulating contracts in Pakistan. मैंने आपको वीक वन में बताया था कि जितने भी हमारे पास इस पर रूल्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या लॉज हैं, ये ज़्यादातर इनका ओरिजिन वही लॉज हैं जो कि बिफोर इंडिपेंडेंस सब कॉन्टिनेंट में फॉलो होते थे. तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था 1872 का, this was a part of subcontinent before independence. तो यही अब कंटिन्यू हुआ है और इसमें कुछ माइनर चेंजेस यकीनन हुई है. ठीक है, इट अच्छा तो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है क्या? ठीक है, इट इज़ अ एक्ट, ठीक है, दैट डिटरमाइंस the circumstances in which the promise made by the parties to a contract shall be legally binding. वो different circumstances बताता है जिसमें आप की दो parties legally bind होती हैं. contract जो है वो कुछ लोगों के rights और duties को भी decide कर देता है और कुछ लोग अगर जो राइट और ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते तो उनको किस तरह से फोर्स करके फॉलो कराया जाएगा, उन सब चीज़ों को भी डिफाइन कर देता है. ठीक है, तो अब आपको बताते हैं व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ रिटन और अ स्पोकन एग्रीमेंट, स्पेशली वन कंसर्निंग एम्प्लॉयमेंट, सेल्स और टेनेंसी, दैट इज़ इंटेंडेड टू बी इन्फोर्सेबल बाय द लॉ. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स के कोई भी अग्रीमेंट, ठीक है, अग्रीमेंट यू ऑल नो इट्स अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, दैट बोथ द पीपल साइन, कि वो किसी बात पे अग्री करते हैं. अग्रीमेंट क्या होता है? एनी डॉक्यूमेंट दैट शोज दैट फ्यू और मोर पीपल हैव अग्रीड ओवर समथिंग, ठीक है, इट्स एन अग्रीमेंट. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक अग्रीमेंट होता है जो ये बताता है कि इसको फॉलो करना है, इसको लॉ के तहत फोर इन्फोर्सेबल करके फॉलो करवाना है. और कॉन्ट्रैक्ट आपके पास एम्प्लॉयमेंट में बनता है. अगर आपने कोई सेल की है, कोई परचेज की है, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की है, कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई स्टॉक्स खरीदे हैं, कुछ भी आपने किया है, तो इसमें हर चीज़ में ज़रूरी है कि आप एक रिटन अग्रीमेंट बना लें. ठीक है, ओरल अग्रीमेंट या स्पोकन अग्रीमेंट की अब कोई बहुत ज़्यादा हैसियत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस अगर स्पोकन अग्रीमेंट के टाइम आपके पास विटनेस मौजूद हो, बट कोशिश करें कि रिटन अग्रीमेंट ही बना लेते हैं. ठीक है, अब एज़ पर द लॉ वी हैव फ्यू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी डिटेल, बेयर विद इट. और अगर आप बीच में थक जाए तो आप वीडियो को स्टॉप कर दीजिएगा, थोड़ी देर बाद कंटिन्यू कर लीजिएगा, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम. ठीक है, सबसे पहले है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देन यू हैव वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, देन यू हैव वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, दीज आर द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्समेंट. Now you have few types of contract which are classified on the basis of their creation, that is express contract, implied contract, quasi contract, and then you have few contracts on the basis of its execution, executed contract, executory contract, unilateral contract, bilateral contract. देखिए enforcement का मतलब होता है contract को किस तरह से apply कराया जाएगा, क्रिएशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से बनाया गया है. ठीक है, और एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को लागू करना, कॉन्ट्रैक्ट को बताना, अवेयरनेस क्रिएट करना, इसको एग्जीक्यूट करना. और इनफोर्स का मतलब ये भी होता है कि सख्ती से उसको फॉलो कराना. तो इनकी बेसिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं और जब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर भी हो जाएगा. Now we have type of contracts on the basis of enforceability. जिसमें सबसे पहले हमारे पास है valid contract. A valid contract is the one which is perfect in all aspects and which is enforceable in the court of law. In other words, it is agreement which contain all 10 essentials of valid contract. All these essentials will be discussed in unit 2.2. देखिए एक valid contract हम उसको कहते हैं जो कि perfect हो हर तरह से, जो कि court में मौजूद हो और जिसके अंदर 10 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स मौजूद हो. अब वो एलिमेंट्स क्या है उसके लिए आप यूनिट 2.2 लाजमी देखिए. सो यूनिट 2.2 देखने के बाद आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और अच्छी तरह से समझ आएगा.
Now let us go towards voidable contract. A voidable contract is a formal agreement between two parties that may be retendered in unenforceable for a number of legal reasons. Reasons that can make a contract voidable includes the following: failure by one or more parties to disclose a material fact, a mistake, misrepresentation or fraud, undue influence, one party legal's incapacity to enter Okay, students, so we were discussing voidable contract. अच्छा, voidable contract एक ऐसा contract होता है जो कि दो parties के बीच में हो, but उसको किसी भी legal reason की वजह से finish किया जा सकता है. It can be finished. अच्छा, अब वो reasons क्या हो सकते हैं कि ये दोनों पार्टीज में से किसी एक ने कोई फैक्ट बताना था वो नहीं बताया, कोई मिस इंटरप्रिटेशन कर दी किसी चीज़ की, बिला वजह में कोई एक पार्टी एक दूसरे के ऊपर हावी आने की कोशिश कर रही है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा कोई पॉइंट था जिसको ब्रीच किया. ठीक है, तो किसी भी वजह से कॉन्ट्रैक्ट अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा तो उसको वॉइड किया जा सकता है. वॉइड मीन्स फिनिश. ओके, अच्छा, अब voidable contract के बात आ जाते हैं void contract. A void contract is a contract that isn't legally enforceable starting from the time it was created. While both void and voidable contracts are null, a void contract cannot be ratified. In a legal sense, a void contract is treated as it was never created. अच्छा, देखिए, अब voidable contracts वो होते हैं जिनको ख़त्म किया जा सकता है किसी भी ऐसी वजूहत की बिना पे कि जो कि आपको लगता है ठीक नहीं है, ब्रीच हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब फॉलो नहीं हो रहा, तो धोखा हो रहा है. ब्रीच मीन्स धोखा. अच्छा, void contract वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं जो कि ख़त्म हो चुका हो और फिर ये अपनी कोई हैसियत नहीं रखता, ये अपनी हैसियत खो देता है. ठीक है, अब void contract की एक एग्जाम्पल है कि बॉब एंटर इंटू अग्रीमेंट विद अ म्यूजिक लेबल टू स्प्लिट रॉयल्टीज फॉर इस न्यू एल्बम 50/50. बॉब जो था उसने एक अग्रीमेंट किया कि मैं एक म्यूजिक नया बना रहा हूँ, इसका जो भी पैसा आएगा, रॉयल्टी मीन्स जो भी प्रॉफिट वगैरह आएगा, उसको हम 50-50 में तोड़ेंगे. हाउएवर एट द टाइम ऑफ दिस अग्रीमेंट बॉब बीन ड्रिंकिंग एट द बार फॉर सेवरल आवर्स एंड इज हैवीली iterated due to the fact that Bob was incompetent at the time the contract was agreed to. It is a void contract. अब देखें, contract उस वक्त बना था जब Bob बहुत drunk था, तो पता चला कि ये contract उस वक्त बना था जब Bob इतना drunk था, तो इस contract की अब कोई हैसियत नहीं है. जब इस contract की कोई भी हैसियत नहीं है, तो this will be taken as a void contract. Now voidable contract की भी एक example है. Assume a similar situation to the previous example. This time Bob is minor and hasn't had anything to drink. Since Bob is minor, the contract is instantly voidable. However, because he wasn't incompetent, the contract is valid. But Bob will have option of keeping or dropping the contract at any time. अच्छा, अब इस वक्त सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है. वो ये है कि Bob is a minor and hasn't had anything to drink. मतलब Bob जो है वो अपनी सही दिमागी हालत में नहीं है. जैसे कि बास लोग होते हैं ना जिनको नशा करने की बहुत आदत होती है, और अगर उनको उनका नशा ना मिले टाइम पे तो वो बहुत अजीब तरह से एक्ट करने लग जाते हैं. तो यहाँ पे यही मतलब है कि बॉब इज़ अ माइनर, मतलब वो कोई अच्छी तरह से एक्ट नहीं कर रहा, ही इज़ नॉट इन टू सेंसेस. ठीक है, बट उसने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वॉइडेबल है, चाहे तो ये ख़त्म भी हो सकता है या चाहे तो ये ख़त्म नहीं होगा. मज़ीद एग्जाम्पल्स अगर आपको इसकी पढ़नी है तो आप इसके लिए चीमा की जो किताब है, मिस्टर चीमा वाली जो किताब है, आपकी कोर्स आउटलाइन में भी मेंशन है, उसको पढ़े. उसमें बेतहाशा एग्जाम्पल्स के बना. ठीक है, मैं ज़रा क्विक इसको इसलिए कर रही हूँ बिकॉज कि बहुत लंबी वीडियोस होती है तो फिर स्टूडेंट्स देखना भी नहीं पसंद करते, तो मैं ज़रा एक एक एग्जांपल ही आपको बताऊँगी. हाउएवर, आपको ज़्यादा एग्जांपल्स देखनी है तो प्लीज़ रीड द बुक. अच्छा, नाउ द अनदर इज अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट ड्यू टू सम टेक्निकल फ्लॉ इट इज़ नॉट बीइंग इन्फोर्स बाय द कोर्ट ऑफ द लॉ ड्यू टू अंडर स्टैम्पिंग और इन ओरल फॉर्म और एनी अदर रीजन. ये एक पूरा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है,
मगर किसी भी टेक्निकल फ्लॉ की वजह से इसको इन्फोर्स नहीं कराया जाता, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट स्टैम्प लगनी थी उस कॉन्ट्रैक्ट पे मगर नहीं लगी, या कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ज़बानी हुआ है, कोई भी रीज़न हो सकता है. देखो अब इसकी एग्जांपल है, ए सेल्स इज कॉन्ड टू बी ऑन अ वर्बल अग्रीमेंट ऑफ 200,000 रुपीज़. अब ये एक वर्बल अग्रीमेंट हुआ है कि 2 लाख में गाड़ी बेचती है, 2 लाख ये ना, हाँ जी, पे गाड़ी बेचती है. अब अगर इस पे कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गया तो कोर्ट इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि ये तो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है. कोर्ट इसमें क्या करेगा? एम्प्लॉय आस्किंग इज एम्प्लॉयज वर्बली नॉट टेक अस सिक लीव. अब अगर आपके पास आपके एम्प्लॉय आपका बॉस है, वो आपको सिर्फ ज़बानी कह रहा है कि भाई सिक लीव अब कोई नहीं लेगा, तो आप इसके सिर्फ ज़बानी कहने पे, अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं की, कोई वीडियो भी नहीं बनाई, अब तो खैर ज़माना और है, हर कोई वीडियो बना के चीज़ों को वायरल कर देता है, मगर ये आप ज़रा उस टाइम की बात करें कि जब मोबाइल से लोग इतनी वीडियो बना के वायरल नहीं करते थे. तो अब अगर एक ज़बानी बंदा कह रहा है कि भाई आप सिक लीव नहीं ले सकते, अब ये कहने को तो बहुत ही गलत बात है और बिल्कुल अनलॉफुल बात है कि सिक लीव नहीं ले सकते. सिक लीव तो मतलब इफ समबडी इज सिक तो वो ऑफिस कैसा आएगा? अनलॉफुल सी बात है, बट स्टिल कोर्ट इस पे कोई एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि ये ज़बानी एक बात है. तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहते हैं अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स. नेक्स्ट है इलीगल अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट्स. अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अग्रीमेंट रिलेट्स टू एन इलीगल पर्पस दैट वायलेट्स द लॉ. बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स आर इलीगल इफ द फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस ऑफ द अग्रीमेंट विल कॉज पार्टीज टू पार्टिसिपेट इन इलीगल एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए बनाया गया हो उसको भी कोर्ट फॉलो नहीं करता और उसको कहते हैं अनलॉफुल या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक ये कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई ज़मीन है, फॉर एग्जांपल देर इज़ अ पीस ऑफ लैंड जिधर कोई बहुत टाइम से नहीं आया, ठीक है. अब पीस ऑफ लैंड जो लोग होते हैं ना कि ज़मीनें खरीद ली, अब्रॉड सेटल हो गए, दूसरे मुल्क चले गए, ठीक है, तो उस पर कोई बहुत टाइम से नहीं आया, तो फिर हम एक रूल बना लेते हैं. इट्स अ रूल कि इफ़ समबडी इज़ नॉट विजिटिंग अ पीस ऑफ लैंड फॉर लास्ट 10 years देन वी कैन रीसेल इट, ठीक है. अब ये रूल बना दिया, फॉर एग्जांपल आपकी किसी भी अथॉरिटी ने, DHA हाउसिंग अथॉरिटी ने ये रूल बना दिया. नाउ दे आर टेकिंग दिस रूल टू द गवर्नमेंट और टू द कोर्ट टू इम्पोज इट. अब इसको कोर्ट इम्पोज नहीं कर सकता क्योंकि टेक्निकली ये एक इलीगल एक्टिविटी है, ठीक है. अगर कोई परमिशन दे देता है कि भाई असला यानी कि विदाउट लाइसेंस गन रखना अब सबको अलाउ है, इसको भी कोर्ट परमिशन नहीं करेगा बिकॉज दिस इज़ एन इलीगल एक्टिविटी. और मज़ीद इसकी एग्जांपल्स आपको पढ़नी है तो आप किताब में पढ़िए. नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन. कॉन्ट्रैक्ट जब बनते हैं उनकी बेसिस पे, इसको इसकी उनकी क्रिएशन की बेसिस पे उनकी कुछ टाइप्स है, वी विल डिस्कस दोस. सो द फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसज इन विच the terms by which the parties agree to be bound are declared either orally or writing or a combination of both at the time it is made. An express contract requires that elements are specifically stated including offer, acceptance and consideration. There are other elements like mutual assent, capacity and legally accepted terms. Examples include the sale of real estates, employment contracts and even contract to perform a service. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, देखो आपको बताया कि नाउ वी आर डिस्कसिंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन. सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज अ रिटन फॉर्म, जो लिखा हुआ होता है, ठीक है, लिखा हुआ होता है, ज़बानी भी इस पर आपने बात की भी होती है, लिखा हुआ भी होता है, एवरीथिंग इज़ रिटन, एवरीथिंग इज़ क्लियर, बहुत प्रॉपर जो रिटन एक डॉक्यूमेंट बनी हुई होती है, वी कॉल इट एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एग्जांपल्स हैं आपके पास रियल स्टेट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सेट्रा. द नेक्स्ट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन दैट ड्राइव्स फ्रॉम एक्शन, कंडक्ट और सर्कमस्टांसेस ऑफ वन और मोर पार्टीज इन एन एग्रीमेंट. इट हैज़ द सेम लीगल फोर्स as express contract which is a contract that is voluntarily entered into and agreed on verbal or in written by two or more parties. Acha implied contract hum isko kehte hain, ye bhi ek legally binding contract hota hai.
ये बेसिकली जो आपका पुराना एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद ही आता है, ठीक है। इसमें होता यह है कि बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट कब वजूद में आता है, किसी भी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को देख के। अगर हालात में कुछ चेंज आ गया, जैसे कि कोविड आ गया एकदम, अब कोविड की वजह से कुछ चेंज आ गया जिस पर दोनों पार्टीज अग्री करेंगी, तो फिर आप उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट बना देंगे। नाउ यू हैव कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ रिट्रोएक्टिव अरेंजमेंट बिटवीन टू पार्टीज हु हैव नो प्रीवियस ऑब्लिगेशन टू वन अनदर। अच्छा, कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ये कहना जब दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए वो फॉलो कर रही हैं, अब उसमें कोई छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट आ गया और वो कोर्ट चले जाते हैं, अब कोर्ट में जाके जज उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थोड़े से चेंजेस कर देगा या एक नया कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट बना देगा जिसके अंदर जज उनके कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए उसको सेटलमेंट करेगा। इसमें आप पेमेंट का भी कोई इशू हो सकता है, गुड एंड सर्विस का भी कोई इशू हो सकता है, प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट जो बने हैं उसमें कोई इशू आ गया तो उसके अंदर कुछ नया क्लॉज डालने के लिए जब जज डालेगा तो देन इट बिकम्स अ कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ लास्ट वी हैव टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट नाम से ही पता चल रहा है, एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट हैज़ बीन साइंड ऑफ बाय द पीपल नेसेसरी फॉर इट टू बिकम इफेक्टिव। अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफन मेड बिटवीन टू पार्टीज बट इट कैन ऑल्सो बी बिटवीन अ पर्सन एंड अ एंटिटी और टू एंटिटीज। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको आपने बिल्कुल बना भी लिया, फिर सबने साइन भी कर लिया और उसकी एग्जीक्यूशन भी हो गई, एंड इट इज़ नाउ रेडी टू बी इफेक्टिव। Executory contract is a contract made by the two parties in which the terms are set to be fulfilled at a later date. कोई ऐसा contract आपने बना लिया कि सब कुछ बन गया मगर उसके अंदर जो terms and conditions थी उसके लिए आपने कहा कि हम ये बाद में करेंगे, ठीक है, यानी कि अब ये कुछ time बाद execute होगा। Executed का मतलब execute हो गया और executory का मतलब कि कुछ time के बाद execute होगा at a later date. Unilateral contract. Unilateral contract is a contract agreement in which an offerer promised to pay under the occurrence of a specified act. अच्छा, अब इसमें ये होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बन गया, साइन हो गई, ठीक है, बट उसकी एग्जीक्यूशन एक मखसूस वक्त पे होगी या कोई इवेंट आ गया तो उस पर होगी। जैसे कि आपके इंश्योरेंस में होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, पेपर भी साइन कर लिए, अब आप पेमेंट करते 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 बट किसी दिन अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, देन यू विल बी पेड। Okay, now last you have bilateral contract is a contract in which both parties exchange promises to perform. One party's promises serve as a consideration for the promise of the other party. Each party is अच्छा भाई देखिए, इस बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं जिसमें दोनों पार्टीज किसी ना किसी प्रॉमिस को एक्सचेंज करती हैं, बट एक पार्टी का प्रॉमिस दूसरी पार्टी के प्रॉमिस पर डिपेंड कर रहा होता है। इसका मतलब ये कि पहले ए जो एक पार्टी है दे विल परफॉर्म समथिंग देन बी विल परफॉर्म, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कह रहे हैं कि भाई आप हमें 10 लाख की इन्वेस्टमेंट हमारे पास करें, देन आई प्रॉमिस कि एवरी मंथ आई विल गिव यू अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, ओके, थिंग्स लाइक दैट। तो इसकी भी मज़ीद एग्जाम्पल्स आप बुक में से पढ़ सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू मेक अ फास्ट ट्रैक वीडियो ताकि सारे स्टूडेंट्स को एक जनरल आइडिया मिले। कहीं पर आपको लगता है अगर मैं फास्ट कही हूँ तो आप इसको स्टॉप करके रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।